वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे ईद मुबारक। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो गाइस, आज चूंकि ईद का दिन है और ओमान में 4 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है और बिल्कुल कर्फ्यू का समय है, तो मूवमेंट पे बैन है, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। तो आज हमने प्लान किया है कि हम घर पे बारबेक्यू करेंगे और ईद सेलिब्रेशन हमारी चूंकि घर पर हो रही है, तो हम आपको आज की यानी ईद के दिन की अपनी सारी एक्टिविटीज दिखाएंगे। तो आज हम लोग मौजूद है इस वक्त अपने घर की छत के ऊपर और यहाँ पर हम थोड़ी देर में बारबेक्यू बनाने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोग बारबेक्यू बनाएं, मैं आपको बताता चलूं कि कैसे हम लोगों ने कुर्बानी की। क्योंकि लास्ट ईयर की अगर वीडियो अगर आप देखें तो हमने खुद स्लॉटर हाउस में जाकर ऑर्डर किया था और हमने खुद अपनी मर्जी का जानवर पसंद किया था और उसकी फिर कुर्बानी की थी। मगर इस साल चूँकि हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, सारे स्लॉटर हाउस बंद हैं, तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा और हमें कुर्बानी का गोश्त घर पे डिलीवर हुआ। तो कैसे हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और हमें कैसे रिसीव हुआ, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमें पैकिंग करके कुर्बानी का गोश्त दिया। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें कुर्बानी का गोश्त रिसीव हुआ। अब जरा कोयलों को और दहकाया जाए। अब हमारे कोयले बिल्कुल रेडी हैं बारबेक्यू के लिए। शेर मुझे याद आ रहा है, देखा हिलाले ईद तो आया तेरा ख्याल, देखा हिलाले ईद तो आया तेरा ख्याल, तू आसमां का चांद है और तू मेरा चांद है। तो गाइस, हमारा बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसके आखिरी मराहिल पर हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो गाइस, हमारा बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और अब ये टाइम हो गया है पूरियां बनाने का। गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।